नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभा कक्ष में धार कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आलोक कुमार सिंह एवं धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने मीडिया से रूबरू हुए। धार जिले के बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है। भले ही चुनाव बदनावर में हो, लेकिन आचार संहिता पूरे जिले में लागू रहेगी। आचार संहिता के संबंधित समस्त आदेश दिशा निर्देश जिले पर लागू रहेंगे। धार कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने मीडिया से मिलने से पूर्व राजनीतिक दलों की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि जो चुनाव आयोग के निर्देश आए हैं वह राजनीतिक दलों को बताए गए हैं, वही मीडिया को भी बताए गए हैं। धार कलेक्टर ने बताया कि कोविड को देखते हुए अतिरिक्त वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं। एक सेंटर पर केवल 1000 वोटर ही वोट दे सकेंगे। पीडब्ल्यूडी व वृद्धों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यदि पीडब्ल्यूडी वोटर, वृद्ध वोटर चाहें तो बैलेट पेपर से वोटिंग कर सकते हैं। वही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी बैलेट पेपर से भी वोटिंग कर पाएंगे और यदि वह चाहें तो कोविड सेंटर पर जाकर वोटिंग कर सकते हैं। उन्हें शाम को 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं रहेगी और आगे जैसे ही गाइडलाइन आती जाएंगी वह जारी की जाएगी। धार जिले के बदनावर विधानसभा सीट पर धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। संवेदनशील क्षेत्र, बूथ की सूची, कितना बल लगना है, सारे सुरक्षा के दृष्टि से सभी संबंधित जानकारी चुनाव आयोग को भेजी जा चुकी है। तैयारियां पूर्ण है, निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। धार कलेक्टर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था संपूर्ण की जाएगी। एक हाथ में दस्ताने पहनकर वोटिंग करवाया जाएगा, वोट देते समय सैनिटाइज करवाया जाएगा। 295 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बदनावर क्षेत्र में 2,03,898 कुल वोटर है, 1,02,162 पुरुष है, वही 1,02,734 महिलाएं हैं। यहाँ का जेंडर रेशो 986 है, वही पीडब्ल्यूडी वोटर 1958 है, वही 2,220 वृद्ध वोटर हैं। ईवीएम के माध्यम से वोटिंग कराया जाएगा, काउंटिंग जो है धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। जी सर, आचार संहिता लग चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज बदनावर उपचुनाव के लिए घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आयोग के निर्देशों के पालन में पूरे ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आयोग के द्वारा ये सभी प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया है, नाम निर्देशन लिए जाने से लेके वापसी ले से लेके, और 3 तारीख को पोलिंग होगी और 10 तारीख को काउंटिंग यहाँ पॉलिटेक्निक पर कराई जाएगी। उसके साथ ही आयोग के निर्देश के पालन में सभी प्रकार के आदेश चुनाव के जारी कर दिए गए हैं, जिसमें धारा 144 के आदेश हैं, साथ ही शस्त्र निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर सभी को अपने शस्त्र जमा कराए जाने होंगे। किसी प्रकार के नए कार्य जारी किए जाने न किए जाएं, इसके संबंध में भी आदेश जारी किए जा चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्टैंडिंग कमेटी के बैठक करके उनको इसके निर्देशों से अवगत करा दिया गया है और उनसे ये उम्मीद की गई है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे। कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कोविड को देखते हुए क्या बढ़ती जाएगी? विधानसभा बदनावर में 258 पोलिंग बूथ पहले से थे। आयोग का ये निर्देश है कि 1000 से ज़्यादा वोटर एक पोलिंग बूथ में न हो, इसको देखते हुए 37 सहायक मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। इस प्रकार बदनावर विधानसभा में कुल 295 बूथ हो गए हैं। कोविड को देखते हुए आयोग ने ये निर्देश दिया है कि वहाँ पे थर्मल स्कैनर का प्रयोग हो, सैनिटाइजेशन का प्रयोग हो, एक हाथ में लोगों को दस्ताने उपलब्ध कराए जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोविड से संबंधित जो लोग पहले से अगर कोविड प्रभावित हैं तो उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाए और उस दिन अगर बूथ पे आने वालों को टेम्परेचर या किसी प्रकार की संदेह होता है तो उनको आखिरी घंटे में उनका मतदान कराया जाए। देखिए, आने वाले उपचुनाव को लेकर आज धार जिले में आचार संहिता लग गई है और अगले 1 महीने तक नॉमिनेशन और वोटिंग और काउंटिंग सभी उसमें प्रॉपर पुलिस व्यवस्था लगेगी। इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में जो प्रिवेंटिव कार्रवाई हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स हैं और सभी जो मेजर्स शांति बनाए रखने के लिए लिए जाने हैं वो लिए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा फ्री और फेयर इलेक्शंस हों।